बड़ी खबर कानपुर देहात से है, जहां आग में जलकर मां बेटी की मौत का मामला सामने आया है। कानपुर देहात की घटना पर सीएम योगी की कार्रवाई हुई है। आपको बता दें कि अवैध कब्जा हटाने के दौरान पूर्णता पर कार्रवाई हुई है। एसडीएम मेथा ज्ञानेश्वर प्रसाद, एसओ रूरा दिनेश गौतम पर केस हुआ है। बड़ी खबर आपको कानपुर देहात से बता रहे हैं, जहां आग में जलकर मां बेटी की मौत का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि आईपीसी की धारा 302, 307 व गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। एसडीएम ज्ञानेश्वर प्रसाद के निलंबन की भी तैयारी की जा रही है। आरोपी अशोक, अनिल और निर्मल दीक्षित पर भी केस दर्ज हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कानूनगो और चार लेखपालों पर भी गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। बड़ी खबर आपको कानपुर देहात से बता रहे हैं, जहां आग में जलकर मां बेटी की मौत का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि 12 से 15 महिला एवं पुलिस कर्मियों पर भी केस दर्ज किया गया है। साथ ही जेसीबी ड्राइवर समेत कई अन्य लोगों पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। कानपुर देहात के मेथा गांव की घटना बताई जा रही है। पूरे मामले पर अब जांच कमेटी भी बनाई गई है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। तो बड़ी खबर आपको कानपुर देहात से बता रहे हैं, जो आग में जलकर मां बेटी का जो मामला है मौत का, अब वो तूल पकड़ते जा रहा है। और पूरे मामले में अब प्रशासन और सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ यूपी चैनल हेड स्टेट वकास वारसी जी जुड़ चुके हैं। वकास जी, क्या पूरा मामला है, आखिर क्यों प्रशासन की कार्रवाई पर अब सवाल खड़े होने लगे और एक्शन की बात की जा रही है? देखिए उदय, ये बहुत ही गहरा और बहुत ही दुखदायी मामला है कि एक मामले में जिसमें प्रशासन को कई दिन से खबर थी, कानपुर मंडल के कमिश्नर राजशेखर जी ने खुद कहा, वो मीडिया के सामने आके उन्होंने कहा कि कल रात में भी परिवार को समझाने के लिए उन्होंने खुद स्वयं प्रयास किया। तो बड़ी बात यह है और दुख की बात यह है कि प्रशासन की संज्ञान में पूरा मामला होने के बावजूद इतनी बड़ी घटना कि दो लोग जिंदा जल गए, खत्म हो गए जी, और पूरा घरौंदा, मतलब अभी भी आप समझिए कि परिजन जो है वो मुख्यमंत्री के वहां आने की डिमांड कर रहे हैं, उनको हटाया जा रहा है, उनको मीडिया से बात नहीं करने दी जा रही है। मैं समझता हूं कि प्रदेश नहीं बल्कि देश की बहुत दुखदाई और प्रशासन और सिस्टम के ऊपर सीधा सवालिया निशान खड़ा करने की ये हादसा, ये घटना हुई। वकास जी, अगर बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद ही संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं और गरीबों की हर संभव मदद करने को तत्पर रहते हैं, लेकिन इस तरह से अवैध अतिक्रमण तोड़ने के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा जो क्रूरता की तस्वीरें सामने आई हैं वह बेहद ही चिंतित करने वाली तस्वीरें, क्योंकि अगर बात करें जो गरीब होते हैं उनके लिए एक उनकी छोटी सी झोपड़ी ही उनका सब कुछ होता है। ऐसे में कहीं ना कहीं अधिकारियों को भी इस बात की समझ होनी चाहिए कि हमें किस तरह से वहां पर अवैध अतिक्रमण हटाना है, क्योंकि वहां लोग जो है वो कई सालों से, कई वर्षों से रहते आए हैं और वो उनका घर है। ऐसे में इस तरह की क्रूरता कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है सरकार की कार्रवाई पर। उदय, मैं आपकी आपका सवाल का पूरी निर्भीकता से जवाब देना चाहूंगा। ये हम लोग मानते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिल्कुल जो है इस मामले में एकदम कड़े रहते हैं, उनका रुख बहुत कड़ा रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये मानना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कि जो उनकी ये जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है अवैध कब्जेदारों को लेकर के, उसको नीचे सिस्टम के अंदर उन्हीं के अधीनस्थ अधिकारी इस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो दूसरे भूमाफियाओं से पैसे लेकर, उनसे ओबलाइज होकर और इस तरह के गरीबों पे अत्याचार करके जिसमें मौत हो जा रही है जी। ऐसे आप समझिए कि ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग जो है वो प्रशासन द्वारा करी जा रही है मुख्यमंत्री की नाक के नीचे जी। वकास जी, एक बात और है, अगर मान लीजिए जिस तरह से प्रशासन जो हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी जी का बुलडोजर चल रहा है इस वक्त, और ऐसे में एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि जब इस तरह के अवैध अतिक्रमण होते हैं तो प्रशासन उनको तुरंत ही क्यों नहीं हटाने की कार्रवाई करता है? जब हम देखते हैं अवैध अतिक्रमण हो जाते हैं, लोग सालों तक वहां रहने लगते हैं, घर पक्के बना लेते हैं, इसके बाद प्रशासन की नींद खुलती है कि यहाँ अवैध अतिक्रमण हुआ है, उसके बाद फिर वहां तोड़ने की कार्रवाई की जाती है, पहले से ही क्यों नहीं प्रशासन जागृत रहता है कि इस तरह का जैसे ही कहीं अवैध अतिक्रमण हो प्रशासन तुरंत उनको हटाने की कार्रवाई करे ताकि इस तरह की तस्वीरें सामने ना आए? मैं एमकेएन के दर्शकों को यही बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि सिर्फ दो कारण, जब दो
दो स्थितियां पैदा होती हैं दो तरह की, तभी प्रशासन जागता है, या तो आला अधिकारी या मुख्यमंत्री के संज्ञान में मामला आ जाए तो उन्हें त्वरित कार्रवाई करके दिखाना होता है कि नहीं साहब हम ईमानदार हैं, या फिर दूसरा पक्ष जो खुद या तो इस मामले के अलावा भी किसी ऐसे मामले हैं, दर्जनों ऐसे मामले हैं जिसमें दूसरे पक्ष से प्रशासन के अधिकारी मिल जाते हैं, उनसे पैसा खा लेते हैं और उस उनके इशारे पे अपना गुड वर्क भी शासन के सामने दिखाना चाहते हैं। इस तरह की कार्रवाई, अब आप कानपुर देहात की इस घटना को देख लीजिए कि कार्रवाई और जेसीबी उनको इस तरह से चलानी पड़ी, जबकि उनके आला अधिकारियों को सारा इस प्रकरण की जानकारी थी कि मौके पर दो लोग मर जाते हैं, आग में झुलस के मर जाते हैं और वो सब वहां से भाग जाते हैं। शासन कार्रवाई कर रहा है, एसडीएम को निलंबन एसडीएम का हुआ, संबंधित लेखपाल का निलंबन हुआ, पुलिस की जो टीम वहां पे गई थी उसका भी निलंबन हुआ, लेकिन निलंबन से आप किसी की जीवन को वापस नहीं ला सकते ना, ना जो जीवन शैली है उसको वापस आप दे देंगे, ना ही जो लोग मर गए जिंदा जल गए उनको वापस नहीं ला के दिया जा सकता उनके परिवार वालों। जी वकार जी, कह सकते हैं कि अमीरों की जान की कीमत तो होती है लेकिन गरीबों की जान की कोई कीमत नहीं होती, ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जो परिवार हैं जिन्होंने अपने को खोया है उनकी क्या कुछ मांग है, इसके अलावा अब सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम है क्या कुछ कार्रवाई करने के निर्देश देंगे ऐसे लापरवाह कर्मचारियों पर? देखिए उदय, मैंने आपको कार्रवाई बताई और कार्रवाई को जो है वो सरकार दिखाना भी ये चाह रही है कि ये कार्रवाई हमने कर दी है निलंबन की, बाकी परिवार की जो लोग हैं पीड़ित परिवार के उनकी मांगे पूरी की जा रही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये अधूरा न्याय है और अगर किसी जिले के अंदर जहाँ चार दिन पहले कानपुर देहात में जश्न मन रहा था, लोग गीत गाए जा रहे थे, डीएम साहिबा खुश हो रही थी कि उन्होंने बहुत अच्छा सफल कार्यक्रम का आयोजन कराया है, और उसी कानपुर देहात में एक परिवार, एक गरीब परिवार जिंदा जल जाता है, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ ये न्याय और अन्याय के बीच का एक ऐसा फासला है जिसको प्रशासन पूरा नहीं कर सकता, मुख्यमंत्री का इंटरवेंशन इस मामले में बेहद जरूरी है। जी वकास जी, धन्यवाद आपके स्कोर पर अधिक जानकारी के लिए। तो बड़ी दुखद खबर सामने आई है जहाँ बताया जा रहा है कि अतिक्रमण हटाने गई टीम की लापरवाही सामने आई है, और आपको बता दें कि आग में जलकर मां बेटी की मौत हो गई है, कानपुर देहात का पूरा मामला है। आपको बता दें कि कानपुर देहात की घटना पर सीएम योगी ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। एसडीएम अमिता ज्ञानेश्वर प्रसाद, एसओ पूरा दिनेश गौतम पर केस दर्ज करने की बात कही गई है, साथ ही आईपीसी धारा 302 और 307 सहित अन्य धाराओं में भी केस दर्ज किया गया है।